तेजस्वी जी, आपका जो विरोध हुआ है उसको क्या कहेंगे? जो आपके ओपोनेंट पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि शुरुआत है भी, तो कोई चिपटने नहीं, लोकतंत्र में और सब चीजें चलती रहती है। लेकिन मूल बात यह सवाल है कि नीतीश कुमार जी मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं, और हम इसलिए कह रहे हैं वो थक चुके हैं कि उल जुलूल जो बयान जो है वो कहा जा रहा है। अब नीतीश कुमार जी 15 साल शासन करने के बाद ये कह रहे हैं कि नौकरी देने का पैसा कहाँ से आएगा। अब उनको ये बताना चाहिए कि जो 60 घोटाले इन लोगों ने किए हैं तो लगभग 30,000 करोड़ बिहार के बजट का पैसा है, कहाँ गया वो 30,000 करोड़ रुपए? और ये जो बात करते हैं जल जीवन हरियाली की, उसमें 24,000 करोड़ का बजट है, उसमें भी जो है पूरी तरीके से धांधली और भ्रष्टाचार हो रहा है। और आरटीआई से ये जानकारी मिली कि अपना चेहरा चमकाने के लिए इन्होंने विज्ञापन पे 500 करोड़ रुपए खर्च किया। तो आप समझ जाइए जहां 24,000 करोड़ का योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है और 60 घोटाले में 30,000 करोड़ रुपए का मंडरबांट किया गया, भ्रष्टाचार किया गया, और 500 करोड़ रुपया जो है चेहरा चमकाने के लिए किया जा रहा है, तो ये तो बड़ा हास्यास्पद बयान मुख्यमंत्री जी का है। और कहते हैं कि समुन्दर बिहार में नहीं है, इस वजह से उद्योग और कारखाने नहीं लग सकते। ठीक है, लोकतंत्र में चुनाव में हार जीत चलती रहती है, लेकिन मानसिक तौर पे और शारीरिक रूप से इस प्रकार से थक चुके हैं मुख्यमंत्री।